अब हम एक और चीज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो खवातीन हैं, वही वाली बात है ना कि आप बहुत मेहनत की जिंदगी सब गुजार रहे होते हैं, अपने बच्चों के पीछे, घरदारी, घर बनाने में, पैसे बचाने में, और आपको फिर एक दिन जाके पता चलता है कि यार मैंने अपना क्या हाल कर दिया है, मैं क्या वो हुई नहीं जैसे मैं पहले थी। माँ बाप के घर में अलग ऐश थी, फिर उसके बाद आप अपना चेहरा देखते हैं तो आपके चेहरे पे ना ग्लो होती है ना वो रंग रूप होता है जो कभी आपके पास होता है। सब खत्म हो गई होती है, झाइयों ने जगह ले ली होती है बजाय ग्लो के। एग्जैक्टली तो वही होता है, लोग बहुत गंदी गंदी क्रीमों के पीछे भाग रहे होते हैं जो फिर बहुत खराब इफेक्ट्स डालती है आपकी जिंदगी में बाद में। आपके पास क्या फैसिलिटी है ब्राइटनिंग ग्लो, जो अगर एक खातून को अपना रंग चाहिए भाई वापस? जी डॉक्टर सो क्या कहना, जैसे ये हैं हमारे पास पेशेंट और ये इनकी जैसे शादी होने वाली है कुछ दिनों में, तो उसके लिए हमारे पास जो ब्राइड्स आती हैं वो कहती हैं हमें इंस्टेंट ग्लो चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम फेशियल्स जो हमारे क्लिनिक में ऑफर होते हैं तो ये भी एक चीज़ है जिसमें हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। अगेन हिस्ट्री के बगैर हम कोई भी काम नहीं करते, कोई ऐसा इन्वेसिव, तो जो है हम इनकी हिस्ट्री लेंगे कि कोई कोमॉर्बिड्स, कोई बीमारी, कोई एपिलेप्सी, कोई किडनी स्टोन्स, अगर पेशेंट फिट बैठ रहा है तो फिर हम उनको आईवी इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं। नस में लगती हैं वो और हेड टू टो काम करती हैं ब्राइटनिंग के लिए, ग्लो के लिए। और कितने दिन में काम करती हैं डॉक्टर? कितने दिन में? 3-4 इंजेक्शंस के बाद ज़्यादा जो है ड्रास्टिक रिजल्ट नज़र आता है। बाकी तो नज़र भी आ रही है, हम ये हमारे यहाँ लगाई जाती हैं जी, उसको स्किन ब्राइटनिंग ड्रिप्स कहते हैं। ड्रिप फॉर्म भी है, इंजेक्शन फॉर्म भी है, दोनों में फ़र्क क्या है? इंजेक्शन हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लगा सकते हैं और जो ड्रिप है वो थोड़ा सा हैवियर डोज होता है तो उसको हम जो है वीकली लगाते हैं। अच्छा, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आती है, अब ये लड़की है जल्दी, इसके पास 3 हफ्ते हैं और ये कह रही है कि मैंने 3 हफ्ते में थोड़ा ब्राइटन होना है और मुझे ग्लो चाहिए, मैं दुल्हन बन के अच्छी लगूं, तो ये 3 हफ्ते को कैसे बांटेंगे आप? हम एवरी फोर्थ डे इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं और ड्रिप जो है वो वीकली, केस में हम एवरी अल्टरनेट डे भी कर लेते हैं। अगर छोटी है, यंग है, रिजल्ट्स के अलावा उसके पास टाइम भी तो नहीं है ना, तो वो हम एक, आप ये समझ लें कि मल्टीविटामिन है जिसको ग्लूटाथियॉन, ग्लूटाथियॉन आप दुनिया कह रही है, एंटी एजिंग भी है, इसमें कॉलेजन भी है, तो बहुत सारी क्लिनिक इसको इम्यूनो बूस्टर और कॉलेजन और सब कह के कहती है, एक्चुअली है ये एक ही चीज। अच्छा हाँ, लेकिन ये आपको बिल्कुल फ्रेश लुक दे देता है और इससे वो डलनेस, वो थकावट जो आपके चेहरे पे होती है वो चली जाती है। जैसे अभी कराया है इन्होंने, जब ये घर गई तो घर वाले जाते ही कहेंगे कि तुम चमक क्यों रही हो? नहीं नहीं, या दो दिन बाद इसका असर आएगा? कुछ इंजेक्शंस के बाद जो है विजिबल डिफरेंस नोटिस होता है, लेकिन 4-8 इंजेक्शंस के बाद आपको विजिबल रिजल्ट नजर आता है। और कुछ खवातीन में 3, मतलब डिपेंड करता है, देखो हर एक के ऊपर, हर एक जैसे हेल्थ स्टेटस उसका वेरी करता है ना, तो इसी तरह डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उन इंजेक्शन पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लगवा सकते हैं लाइक दिनों बाद ये आप 30-40-50 लगवा सकते हैं, रोक नहीं है, मतलब कोई रोक नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ, जो हमारा डॉक्टर पहले आपकी हिस्ट्री लेगा तो आप लगवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, प्रेगनेंसी में अलाउ नहीं है? नहीं, लैक्टेशन में भी अलाउड नहीं है। ओके, और बाय द वे आप हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं ना, ओ शो ये तो इस तरह के रंग का था, ये इस तरह का रंग हो गया है, इस तरह का रंग था, हमारे जो टीवी और फिल्म के लोग हैं उनके, और इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, लगाते हैं वो एंड दैट इज ओके। अच्छा, अगर जरा हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं, दीपिका पादुकोण ने लगाया है, काजोल ने लगाया है, वो तो लाइक आप उनकी पुरानी फिल्में उठा के देखें और नहीं देखें, अरे भाई दिल वाले पे जब काजोल का इंटरव्यू मैं करने गई थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। हाँ, मतलब जो हम फिल्मों में इनको देखते थे जिस तरह का कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट था, बहुत फर्क था। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो आप जो उनको फ्रेश वगैरह देखते हैं तो उसमें काफी हाथ इस इंजेक्शन का। अच्छा, इन इंजेक्शंस को पूरी दुनिया में एंटी एजिंग भी कहा जाता है, एंटी ऑक्सीडेंट है। हमारे यहाँ चूंकि पाकिस्तान और इंडिया में जरा हम कॉम्प्लेक्शन को लेके जरा ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो इसलिए इसको हम ब्राइटनिंग और ग्लो कहते हैं, वरना अदरवाइज आपकी पूरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्या पिगमेंटेशन भी इस इंजेक्शन से, इन ड्रिप से कम हो सकती है? यस, मैं यही दिखाना चाह रही थी कि ये देखें, ये एक पेशेंट है जिसने, आई एम श्योर आपने गोरा होने की क्रीमें लगाई हैं, बताएंगी नहीं लगाई है ना,
नहीं वो शक्ल बता रही है। अच्छा जी, कौन सी लगाई है? एक तो नाम नाम ले लूं क्या? दो तीन माता लो भाई। अच्छा हाँ, मसला हो जाएगा। बस आप ये देख लें, आप अजीब ही सा कोई नाम होगा तो वो हजार रुपए की पुड़िया में आप पूरी स्किन यार कबाड़ा कर, कबाड़ा हो जाती है। अच्छा जी, वो शुरू में तो बहुत आपको अच्छा लग रहा होता है, उसके बाद वो इस तरह की पिगमेंट पे और इसके ऊपर फिर ये लोग ब्लीच भी कर रही होती हैं, है ना? आपने ब्लीच भी किया है? हाँ, ब्लीच से गोरे नहीं होते भाई, बाल भूरे होते हैं, खुदा को मानो। हाँ, तो ये सारी चीजें करने के बाद ये जब पिगमेंटेशन आ जाती है तो हमारी क्लिनिक में, दी एस्थेटिक क्लिनिक की किसी भी ब्रांच में आप आएंगे, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा, उसके बाद वो आपको दोनों अप्रोचेस दिखाएगा। एक जनरल अप्रोच होगी जो आपकी बॉडी के लिए होगी, यानी जैसी ये ब्राइड है इसके केस में हम कहेंगे जी आईवी लगवा ले, ये पूरी इसको बॉडी चाहिए कि मेरी बॉडी ब्राइटनिंग और ग्लो, स्किन चमके मेरी। हम खाने के लिए मेडिसिन भी देंगे, ठीक है? यहाँ आ जाएंगे तो हम फोकल अप्रोच अपना कर लेजर भी करेंगे, लेजर पे ले जाएंगे इनको, इनके अपने ब्लड के साथ इनका फेस पे इलाज करेंगे, कुछ बीबी ग्लो के साथ करेंगे, okay. तो मिक्स करके एक जो इनके लिए सूट करता होगा वो पूरा पैकेज बना के आप लोग। जी जी, ओके जी। क्या ब्रेक का टाइम हो गया? अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या कुछ और बोल रही, मैं समझ रही ब्रेक है। ये इस तरह केसेस आते हैं और उसके बाद फिर इनको मैं इसीलिए कहती हूँ कि सस्ती चीजों पे अगर एक दफा बंदा जाता है और क्विक कुछ भी नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो आप लगाएं सुबह बिल्कुल इंस्टेंट। इन इंजेक्शन से तो काफी बाकी और चीजों से काफी जल्दी रिजल्ट आता होगा ना, जो आईवी इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन से तो बहुत जल्दी इसलिए आता है ना कि डायरेक्ट आपके सिस्टम में जा रहे हैं और आपको आपकी सारी जो कमियां है विटामिंस की वो सारी पूरी कर रहे हैं। 80% 90% एब्जॉर्प्शन हो जाती है आईवी के थ्रू, बाकी तो हम ओरल मेडिसिंस भी देते हैं लेकिन वो टाइम टेकिंग होती है और जो है गट में जा रही होती है वो अपना टाइम लेती है। लेकिन इंजेक्शंस में भी यहाँ मैं जरूर आपको ये बताऊंगी कि बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जैसे आप अब सुन रहे हैं हर गली मोहल्ले में जो जगह खुली है क्लिनिक वगैरह और उसमें PRP की कौन सी मशीन यूज हो रही है, क्या टेक्निक यूज हो रही है, उन प्लेटलेट्स को कैसे हैंडल किया जा रहा है, ये बड़ा मैटर करता है। तो और इंजेक्शन हर तरह के चाइना जापान पता नहीं कौन कौन सी सारी चीजें आ गई हैं, सो ये देख के कि कहाँ मैं जा रही हूँ उसका मुझ पर क्या असर हो रहा है, क्या मैं अपनी बेटी को कहाँ लेके जा रही हूँ, आप कौन से वाले यूज कर रही हैं ये बताए। पूछने से कुछ नहीं होता, नहीं बताता कोई पूछने। आप रिजल्ट्स देख लेना, रिजल्ट्स देखिए पहले, आप जहाँ जा रही हैं वहाँ के बारे में रिसर्च तो करें ना कि उनके पेशेंट्स का क्या रिस्पांस रहा है, रिव्यूज क्या दिए हुए पेशेंट्स ने। पूछने में ये इशू होता है कि फिर वो पेशेंट जो है ना वो ओवर द काउंटर परचेज करके खुद लगाने स्टार्ट कर दें। हाय, दिस इज HSY। इफ यू लाइक व्हाट यू सी एंड वांट टू सी अ लॉट मोर, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.